बताता हूँ कि श्री गोपाल मिश्रा जी जो राष्ट्रीय महामंत्री है एआरएफ के, वो बोल रहे हैं कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देना ही होगा, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी पेंशन ही है। अगर आप मान लीजिए 20 साल में रिटायर हो जाते हो तो आपको 1500-2000 मिलेंगे। जी मैं वैसे तो एनपीएस में आता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा समझ है कि जो ओपीएस है वो बहुत ज़्यादा ही एम्प्लॉय के फेवर में था जो कर्मचारी का है। हम कर्मचारी ने अपना 60 वर्ष का जीवन जो है, महत्वपूर्ण जीवन जो है, वो अपना रेलवे को समर्पित कर देते हैं, तो रेलवे का भी दायित्व बनता है कि हमारे बुढ़ापे में हमारी लाठी बने, जब हम किसी काबिल नहीं रहते, किसी लायक नहीं रहते कि हम कोई दूसरे काम कर सकें, तो रेलवे का भी कुछ दायित्व बनता है कि हमारे साथ हमें इतना कुछ दिया जाए जिससे हमारा जीविकोपार्जन चलता रहे। तो एनपीएस जो था ना, ओपीएस जो है ना वो। और आप एनपीएस में आते हो या ओपीएस में? ना, एनपीएस में आता हूं मैं। ये बोले कि ओपीएस की लड़ाई में आपको भूखा रहना है या स्टेशन पर बैठना है, तो आप आओगे? मैं तो आऊंगा, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, इसमें सब कर्मचारी को आना ही पड़ेगा, ये लड़ाई सबके लिए है। आप एनपीएस में आते हो या ओपीएस? एनपीएस में आता हूं। तो ओपीएस के लिए आप क्या कहोगे कि ओपीएस चाहिए या एनपीएस चाहिए? नहीं, एनपीएस चाहिए नहीं, एनपीएस में कुछ रखा ही नहीं है। मैं तो अभी से बोल रहा हूं कि एनपीएस अभी से बंद कर दो, हमको चाहिए नहीं एनपीएस, क्योंकि एनपीएस में कुछ नहीं मिलता। लास्ट में हम जब रिटायर हो गए तब सामान्य 5,000-7,000 हमारी पेंशन आएगी, उससे क्या हमारा घर खर्च चलेगा? आज से 60 साल के बाद आप जाओ, कितनी महंगाई होगी, महंगाई कहाँ पहुंचेगी? अभी जो महंगाई इतनी बड़ी है, जब 60 साल के बाद हम रिटायर होंगे तब महंगाई कितनी होगी? अब जब 5,000 से घर चलेगा क्या? सर ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप तो ओपीएस में आते हो, परंतु अगर मान लीजिए एनपीएस कर्मचारी के लिए, क्योंकि 2004 के बाद में सबसे ज्यादा एनपीएस कर्मचारी आए हैं, तो उसके बारे में एनपीएस कर्मचारी को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उसके बारे में आपका क्या विचार है? ऐसा है कि ये जो एनपीएस कर्मचारी हैं वो 2004 को जो नहीं आए थे वो लड़के बहुत कम थे, अभी आज की डेट में 70-80% एनपीएस वाले हैं। अभी हमारे जैसे ओपीएस वाले जो बहुत शॉर्ट रह गए, मतलब कम रह गए आदमी जो 2004 के पहले आए थे, ऐसे लोग रेलवे में 10-20% ही है। अभी 80% जो कर्मचारी है रेलवे के उनको एनपीएस में डाला है सरकार ने, तो ये एनपीएस में मानता हूँ बहुत खराब ये स्कीम है और सरकार को इमीडिएट इसको बंद करना चाहिए और सबको ओपीएस का लाभ देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आए हैं बोटाद रेलवे स्टेशन पे कर्मचारियों की समीक्षा के लिए कि कर्मचारियों के लिए वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन कितना काम करती है, क्या कर्मचारी उससे संतुष्ट है, क्या यूनियन संतुष्ट है कर्मचारियों से, आपसी कर्मचारी और यूनियन के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी समस्या है उसके लिए भी चर्चा करेंगे, वो सबसे बड़ी समस्या क्या है हम उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों ये सभी कर्मचारी है और कर्मचारी से मैं पूछना चाहूंगा कि आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम विमल पाठक है और मैं बोटाद जंक्शन पे पॉइंट्समैन के रूप में 2018 से कार्यरत हूँ। और यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के आबाद हुसैन ब्रांच सेक्रेटरी, उसका कार्य कैसा है? जी आबाद जी का कार्य, आबाद जी से मैं शुरू से ही जुड़ा रहा हूँ, जब से मैं आया हूँ तब से हम दोनों लोग साथ में एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। आबाद जी का कार्य बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आबाद ने हम सभी एम्प्लॉयज़ की बात अपना ड्यूटी करने के बाद भी सुनी है और कभी भी 24 घंटे हमारे कोई भी कार्य के लिए आबाद जी हमेशा तत्पर रहते हैं। बोटाद ब्रांच में 450 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें रनिंग स्टाफ हो, CNW हो, ट्रैफिक विभाग हो, CHI हो, चाहे इंजीनियर विभाग हो, चाहे और भी स्टाफ है, परंतु सभी कर्मचारियों से मैंने वार्तालाप किए जैसे आज कर रहे हैं, यही पाया गया कि वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन ब्रांच सेक्रेटरी के बाद उसे जो युवा है वो कर्मचारी के लिए रात में ड्यूटी करके दिन में काम करता है, दिन में ड्यूटी करके रात में काम करता है, तो क्या सभी कर्मचारी संतुष्ट है? जी बिल्कुल, जहाँ तक मैंने समझा है, सभी इम्प्लॉय से बात करता हूँ तो जो आबाद जी का कार्य है ना, सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। आबाद जी ने अपनी नाइट में ड्यूटी या दिन में ड्यूटी करने के बाद भी बचे हुए 12 घंटे हमेशा हम लोगों के कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। देखिए, क्योंकि आज 27 मार्च है और 31 मार्च 2023 को बोटाद में एडियन के साथ में आबाद हुसैन की और मंडल मंत्री एस के श्रीवास्तव जी की इनफॉर्मल मीटिंग है। इस मीटिंग का उद्देश्य यही होता है कि कर्मचारियों की जो ग्रीवांस होती है, कर्मचारी की समस्याएं होती है, जैसे क्वार्टर कंडम करना, अलाउंस या क्वार्टर से कोई भी संबंधित या कर्मचारी की कोई भी समस्या से संबंधित, मतलब सबसे ज़्यादा 80% समस्या एडियन लेवल पर हो जाती है, क्वार्टरों से ज़्यादा समस्या रहती है, इंजन विभाग की समस्या ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से एक साल में 6 बार एडियन के साथ मीटिंग करते हैं, उसके बाद में आबाद हुसैन, एस के श्रीवास्तव जी, अजय राज सिंह जी, पूरी डिवीजन बॉडी के साथ में पीने मीटिंग भी करते हैं। तो आबाद हुसैन एक युवा है वेस्टर्न रेलवे का, बहुत अच्छा काम। दूसरा सवाल है कि एनपीएस के लिए अभी वित्त केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने एक बयान आया है, संसद में पेश किया गया है कि कर्मचारियों की जो एनपीएस है, वो जो सिस्टम है, उस पर एक समीक्षा के गठन किया है, जिसमें केंद्रीय सचिव की अध्यक्षता में ये गठन करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कर्मचारियों को मिले, इस तरह की सीतारमण जी ने संसद में बात रखी। परंतु इससे ये मैं भी बताना चाहता हूँ कि श्री गोपाल मिश्रा जी जो राष्ट्रीय महामंत्री है एआरएफ के, वो बोल रहे हैं कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देना ही होगा, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी पेंशन ही है। अगर आप मान लीजिए 20 साल में रिटायर हो जाते हो तो आपको 1500-2000 मिलेंगे,
तो आपसे यही मैं पूछना चाहता हूँ कि एनपीएस और ओपीएस के बारे में आप क्या जानते हो और क्या बोलना चाहते हो। जी मैं वैसे तो एनपीएस में आता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा समझ है कि जो ओपीएस है वो बहुत ज़्यादा ही एम्प्लॉय के फेवर में था जो कर्मचारी का है। हम कर्मचारी ने अपना 60 वर्ष का जीवन जो है, महत्वपूर्ण जीवन जो है, वो अपना रेलवे को समर्पित कर देते हैं। तो रेलवे का भी दायित्व बनता है कि हमारे बुढ़ापे में हमारी लाठी बने, जब हम किसी काबिल नहीं रहते, किसी लायक नहीं रहते कि हम कोई दूसरे काम कर सकें, तो रेलवे का भी कुछ दायित्व बनता है कि हमारे साथ हमें इतना कुछ दिया जाए जिससे हमारा जीविकोपार्जन चलता रहे। तो एनपीएस जो था ना, ओपीएस जो है ना, वो बिल्कुल बहुत अच्छा है। और परंतु ये भी है कि अगर मान लीजिए सरकार हमारी बात नहीं मानी कर्मचारी की, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हो, सभी ये चाहते हैं कि ओपीएस चालू होना चाहिए, एनपीएस खत्म होना चाहिए। तो उसके लिए अगर मान लीजिए ब्रांच सेक्रेटरी या कोई भी संगठन या इसके श्रीवास्तव जी, अजय राज सिंह जी, ऊपर से ऑर्डर आता है कि एनपीएस के लिए हमको धरना देना है, प्रदर्शन करना है, तो सभी कर्मचारियों को एकजुट होंगे तो हो सकता है कि भारत सरकार मान जाए। तो क्या एकजुट होना जरूरी है एनपीएस पे या नहीं, या कर्मचारियों में विश्वास होना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए। और क्योंकि ये जो ओपीएस की लड़ाई है, ये किसी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हम सभी कर्मचारियों के हित में लड़ाई है। और हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारी यूनियंस जो हैं इसके लिए लगातार, चाहे हमारे मंडल सचिव श्री एस के श्रीवास्तव जी हों, या हमारे ब्रांच सेक्रेटरी श्री आबाद हुसैन जी हों, या हमारे महामंत्री श्री शिव गोपाल मिश्रा जी हों, कि हमारी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम एम्प्लॉय का भी दायित्व बनता है कि हमें उनके साथ इस लड़ाई में उनका पूरा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई ये व्यक्तिगत नहीं है, ये हम एम्प्लॉय के हित की लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि सभी एम्प्लॉयज को उनके साथ खड़ा होना चाहिए इसमें। दोस्तों आपको पता है कि 1974 में एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी जो पूरा विश्व में ही चर्चा का विषय बन चुकी थी। वो हड़ताल इसलिए थी कि रेलवे के कर्मचारियों को बोनस के लिए, उस समय एआरएफ के बहुत सारे कर्मचारी शहीद भी हुए, और बोनस हमको आज एआरएफ की संगठन की देने, जो आज हम बोनस ले रहे हैं। परंतु बहुत सारे कर्मचारियों को ये पता नहीं है कि बोनस किसकी देने, बहुत सारे अलाउंस भी यूनियन की देने। तो हमको ही इसी तरह से 1974 की तरह आने वाले समय में हड़ताल करना भी जरूरी हो सकता है एनपीएस खत्म करके पुरानी पेंशन चालू के लिए। तो मैं भाई से पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम हितेश मेणिया है, मैं इलेक्ट्रिक में हूँ। और यहाँ का बोटाद ब्रांच का सेक्रेटरी कर्मचारियों के लिए काम करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ, बिल्कुल करता है, जब उसकी जरूरत पड़ती है वो बिना बुलाए आ जाता है। और आप एनपीएस में आते हो या ओपीएस में? ना, एनपीएस में आता हूँ मैं। तो अगर आबाद भाई या संगठन ये बोले कि ओपीएस की लड़ाई में आपको भूखा रहना है या स्टेशन पर बैठना है, तो आप आओगे? मैं तो आऊंगा, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, इसमें सब कर्मचारी को आना ही पड़ेगा, ये लड़ाई सबके लिए है। इस भाई ने बिल्कुल सही बताया गया है कि ये किसी पर्सनल व्यक्तिगत कर्मचारी की लड़ाई नहीं है, इसमें सभी कर्मचारियों को ओपीएस की चालू करने के लिए मिलजुल कर संगठन का साथ देना है, और संगठन हम कर्मचारियों से मिलकर ही बना है। तो आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से यही पता चला होगा कि चाहे वो ओपीएस में आता हो चाहे एनपीएस में आता हो, सभी को अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है और संगठन का साथ देना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश पटेल है, मैं पॉइंट्स में कार्य करता हूँ बोटा जंक्शन में। आप एनपीएस में आते हो या ओपीएस? एनपीएस में आता हूँ। तो ओपीएस के लिए आप क्या कहोगे कि ओपीएस चाहिए या एनपीएस चाहिए? नहीं, एनपीएस चाहिए नहीं, एनपीएस में कुछ रखा ही नहीं है। मैं तो अभी से बोल रहा हूँ कि एनपीएस अभी से बंद कर दो, हमको चाहिए नहीं एनपीएस, क्योंकि एनपीएस में कुछ नहीं मिलता। लास्ट में हम जब रिटायर हो गए तब सामान्य 5,000 से 7,000 हमारी पेंशन आएगी, उससे क्या हमारा घर खर्च चलेगा? आज से 60 साल के बाद आप जाओ, कितनी महंगाई कहाँ पहुंचेगी? अभी जो महंगाई इतनी बड़ी है, जब 60 साल के बाद हम रिटायर होंगे तब महंगाई कितनी होगी? अब जब 5,000 से घर चलेगा क्या? और वो जमाना 60 साल का, आपकी मतलब 40 साल बाद आप रिटायर होंगे 2051-52 के लगभग, तो उस समय क्योंकि जनरेशन बदलती जा रही है, एक शिक्षा का युग आ गया, तो अगर पेंशन मिलेगी तो हमारे बेटा बेटी भी हमको रोटी देंगे, नहीं तो अगर पेंशन नहीं देंगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं समझी जाएगी। हाँ, वो बात सही है, लेकिन अभी जो एनपीएस में पैसा कट रहा है वो बाद में हमारा ही पैसा हमको वापस दे रहे हैं, उनका तो कुछ है ही नहीं, हमारा जो अभी कट रहा है वही पैसा हमको वापस दे रहे हैं, वो भी 20% ही दे रहे हैं, बाकी का तो वो जमा रखते हैं उसमें से पेंशन, और वही ऐसा बोलते हैं कि आपकी डेथ के बाद आपको घर वालों को मिलेगी। नहीं, परंतु सरकार के जैसे विधायक है, मंत्री, उन लोगों को तो 3-3 मिलती है ना, वो तो उनको जितना भी बनता है उतना उनको तो मिलती है, उनको तो क्या मिलती है, हमको नहीं मिलती। तो मतलब अगर नेता को मिलती है, मंत्री को मिलती है, तो कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि 60 साल जिंदगी रेलवे में बिताता है अपॉइंटमेंट, जो भी हो रेलवे कर्मचारी वो सब रेलवे में जुड़े हुए हैं, 60 साल तक उनकी जीने की लाइफ होती है, वो रेलवे में निकल जाती है, वो अपने बच्चों के लिए देखता है, तो बाद में तो बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलेगा, जो कर्मचारी होगा उनको कुछ नहीं मिलेगा, ये एनपीएस बहुत खराब चीज़ है। दोस्तों कहने का मतलब कर्मचारियों का यही है कि अभी जो रिटायर हो रहे हैं वर्तमान में, उनका यही है कि उसको 1,500-2,000 रुपये ही पेंशन मिल रही है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि पुरानी पेंशन चालू करना चाहिए और कर्मचारियों को हक मिलना चाहिए। इस वीडियो को सभी लाइक करें और शेयर करें, और आप कर्मचारियों को और कुछ कहना था? हाँ, मैं यही बात बता रहा हूँ कि अकेले डब्ल्यूआरयू का अकेले लड़ने का कोई मतलब नहीं है, दूसरे भी फेडरेशन को साथ में आना चाहिए, क्योंकि वो भी एनपीएस में है, वो सब साथ मिलकर लड़ो तो इसका इलाज होगा, वरना एनपीएस ऐसे नहीं हटेगा, डब्ल्यूआरयू अकेला नहीं कर सकता, सबको साथ मिलकर लड़ना होगा एकजुट होकर, और जो एनपीएस में नहीं है ओपीएस में है वो भी साथ में रहे, क्योंकि वो भी एक रेलवे कर्मचारी है ना,
वो सोचेंगे कि हम तो ओल्ड पेंशन में है, हम क्यों लड़े, ऐसा नहीं। परंतु पुरानी पेंशन कर्मचारी तो ये बोल रहा है कि हम तो साथ हैं, पर एनपीएस वाले साथ ही नहीं आते हैं। एनपीएस वाले जब बोलोगे तब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तो पुरानी पेंशन वाले भी आएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि पुरानी पेंशन और एनपीएस वाले सभी कर्मचारी एक साथ होंगे तो कर्मचारी की वजह से सरकार को खौफ भी होगा। और ये अभी देखो कर्मचारी की वजह से एनपीएस में जो समीक्षा की गठन किया गया है तो कर्मचारियों की बदौलत है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी नहीं, राज्य सरकार के भी कर्मचारी आते हैं, टीचर हो चाहे एलआईसी में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, किस में भी हो। ये लड़ाई सबको साथ में रहने लड़नी चाहिए, सबको साथ में रख के, अकेले नहीं लड़ी जाएगी। परंतु ये किसी का नहीं, सबको एक आवाज दे तो आना चाहिए, सबको आना चाहिए। एक बार बोल दिया कि आज है तो आज आना चाहिए, सबको साथ मिलकर लेके चलना चाहिए, क्योंकि वो सब साथ नहीं होगे तो ये चालू नहीं होगा, ओपीएस चालू नहीं होगा, अकेले से कोई नहीं होगा, क्योंकि सबको आना पड़ेगा साथ में, ओपीएस वालों को भी आना पड़ेगा, एनपीएस वालों को भी आना पड़ेगा, और सबको साथ मिलकर ये करना पड़ेगा। स्टेशन पर और बोटाद के स्टेशन के अधीक्षक से हम बात करेंगे कर्मचारी की समस्या और स्टेशन के बारे में। तो सबसे पहले सर आपका नाम क्या है? मैं अक्षय मकवाणा, स्टेशन अधीक्षक बोटाद जंक्शन। सर ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप तो ओपीएस में आते हो, परंतु अगर मान लीजिए एनपीएस कर्मचारी के लिए, क्योंकि 2004 के बाद में सबसे ज़्यादा एनपीएस कर्मचारी आए हैं, तो उसके बारे में एनपीएस कर्मचारी को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उसके बारे में आपका क्या विचार है? ऐसा है कि ये जो एनपीएस कर्मचारी हैं वो एक एक 2004 को जो नहीं आए थे वो लड़के बहुत कम थे, अभी आज की डेट में 70-80% एनपीएस वाले हैं। अभी हमारे जैसे ओपीएस वाले जो बहुत शॉर्ट रह गए, मतलब कम रह गए आदमी जो 2004 के पहले आए थे, ऐसे लोग रेलवे में 10-20% ये है। अभी 80% जो कर्मचारी है रेलवे के उनको एनपीएस में डाला है सरकार ने, तो ये एनपीएस में मानता हूँ बहुत खराब ये स्कीम है, और सरकार को इमीडिएट इसको बंद करना चाहिए और सबको ओपीएस का लाभ देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल ये सही बात है कि ओपीएस का लाभ लेना चाहिए, कि बुढ़ापे में 60 वर्ष के बाद रिटायर हो जाता है कर्मचारी, तो उसकी स्थिति देने हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाता है, तो पेंशन ही उसका सबसे बड़ा सहारा है, बुढ़ापे की लाठी ही पेंशन है। तो अगर सर मैं ये मानता हूँ कि मान लीजिए रेलवे में संगठन है, चाहे वो एसोसिएशन हो या फिर फेडरेशन हो, पर एनपीएस के कर्मचारी है, एनपीएस के कर्मचारी के साथ में लड़ रहे हैं कि ट्रेड यूनियन हो, एसोसिएशन हो, ये सब चाहते हैं कि हमको नई पेंशन स्कीम बंद करे और पुरानी पेंशन स्कीम चालू करे, तो क्या ये पुराने ओल्ड पेंशन वाले भी एनपीएस कर्मचारियों का साथ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जोनल प्रेसिडेंट रहा 2 साल ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन का, उस टाइम भी मैं ये चलवल चलाया था कि हम लोगों को एनपीएस बंद करना चाहिए सरकार को, तो उसके लिए मैं लड़ा सरकार से। अभी मैं मानता हूं कि एनपीएस बंद होना चाहिए, और भले मैं ओपीएस में हूं, मैं खुद ओपीएस में हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे जो नए कर्मचारी है जो 1-1-2004 के बाद आए हैं, उन लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार को लाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं दिल से। और उसी कड़ी में मैं जब भी आप लोगों का साथ सहकार देना हो तो मैं आपके साथ रहूँगा, और गवर्नमेंट से मैं इसका विरोध करता हूँ। और विरोध करना भी चाहिए कि चाहे वो ओल्ड पेंशन में हो चाहे एनपीएस में है, परंतु सभी कर्मचारी मिलकर ही काम करते हैं। आप जानते हैं कि ओल्ड पेंशन की 60 वर्ष के बाद में जब आप रिटायर होगे तो आप महिमा समझोगे कि मेरे को जो ओल्ड पेंशन से पैसा मिल रहा है, और एनपीएस वाला कर्मचारी रिटायर होगा तो उन लोगों के साथ में कैसा होगा कि बुढ़ापे की लाठी का। तो आप इसको भली बात दिल से समझ सकते हो, नेताओं को, विधायकों, मंत्रियों को मिल रही है तो उन लोगों को तो बुढ़ापे की लाठी मिल रही है पुरानी पेंशन, तो कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि ये पूरा देश का जो सिस्टम है वो ये कर्मचारी ही चला रहे हैं, नेता लोग तो 5 साल के बाद आके चले जाते हैं, 5 साल के बाद उन लोगों को पेंशन मिलती है। या तो अगर कर्मचारियों को पेंशन नहीं देनी है तो नेताजी खुद अपना पेंशन रद्द कर दे, अपना खुद का पेंशन छोड़ दे, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं नेताजी? सभी नेताओं को एक होकर अपना पेंशन छोड़ देना चाहिए, या तो कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम में लाना चाहिए, ऐसा मेरा दिल से मानता हूँ। सर अभी सरकार डरी हुई है क्योंकि बहुत सारे राज्यों में कर्मचारियों की बदौलत सरकार पलट गई है, उसी तरह से अभी केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने एक संसद में बयान दिया है, और बयान ये दिया है कि हम एनपीएस की समीक्षा का गठन करेंगे जिससे कि कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके एनपीएस के द्वारा। परंतु मेरे को लगता है कि सरकार या तो कर्मचारियों को बेवकूफ़ जैसा बना रही है या फिर कर्मचारियों को अटका के रखी है, परंतु संगठनों का कहना है कि अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हो चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हो, तो ज़रूर हमारी सरकार सुनेगी और पुरानी पेंशन का बहाल करेगी। नहीं, ये बारे में मैं मानता हूँ कि हमारी जो भाजपा सरकार है, हमारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, हमारी बात सुनेंगे और 2024 के पहले ये स्कीम लागू कर देंगे ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि उन्होंने जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके लिए फिर से उसको दोबारा ये करने के लिए निर्मला सीतारमण ने संसद में बोला है कि हम इसको नई कमेटी बनाएंगे
और इसका ये करेंगे, है ना। तो हम मानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जल्द ही ओल्ड पेंशन स्कीम की जाहिरात करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। नहीं, आपका मानना भी बिल्कुल जायज है कि सरकार को भी डर है कि हमारी सरकार कर्मचारियों की पेंशन की वजह से नहीं चली जाए। इस वजह से नरेंद्र मोदी जी ये चाहते कि ये सिस्टम जो भारत सरकार का सिस्टम है, पूरे कर्मचारी चला रहे, तो उन लोगों को उसका हक मिलना चाहिए। तो हमारे स्टेशन अध्यक्ष अक्षय जी ने बता दिया है कि जरूर बहुत अच्छी खुशखबरी कर्मचारियों को मिलेगी, 2024 में पुरानी पेंशन बहाल होगी, ऐसा आपका मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे जो नए साथी है जो 1/1/2004 के बाद आए हैं, उनको नया पेंशन स्कीम हटा के ओल्ड पेंशन स्कीम दे दें, ऐसा मैं अपील करता हूँ माननीय वड़ा प्रधान श्री से। अगर ऐसा होता है, आपकी वाणी सच होती है, तो मेरे को लगता है कि नरेंद्र मोदी जब तक रहेंगे जब तक भाजपा सरकार रहेगी, क्योंकि कर्मचारी ही सरकार बनाते हैं, सरकार कर्मचारी ही सरकार बदलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्टेशन अध्यक्ष जी। धन्यवाद धन्यवाद।